साथ शेयर करने वाली हूँ कलबा ब्यूटी ब्लेंडर का रिव्यू। ये मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और मैं इसको पहली बार ऑन कैमरा आज यूज करने वाली हूँ और मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ये कैसे अप्लाई करता है आपके फेस पे, आपका बीबी क्रीम या अगर आप फाउंडेशन यूज करते हो तो किस तरह से आपको कैसा फिनिश या कैसा लुक देता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप वॉचिंग। सो गाइज एज यू कैन सी ये इस तरह की आउटर पैकेजिंग में आया है एंड आई हैव ऑलरेडी ओपनड इट। मैं आपको दिखाती हूँ अब ये कैसा दिखता है। सो ये नॉर्मल प्लास्टिक की कवर में आया है बट विद जिप लॉक विच आई थिंक इज रियली हाइजीनिक। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है ये ब्यूटी ब्लेंडर एंड इट इज अ ब्लैक ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई रियली लव द कलर गाइज। सो अब मैं अपने बेयर फेस पे आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो लेट्स पुट ऑल द हेयर बैक एंड लेट्स स्टार्ट द मेकअप। सो वेट करने के बाद इसका जो साइज है आप देख सकते हो ये डबल हो गया है एंड नाउ आई एम गोना यूज माई फाउंडेशन अ वेरी लिटिल बिट ऑन माई हैंड एंड मैं इसी को अपने फेस पे इसको ब्लेंड करके दिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर। अब जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसके बैक साइड से मैं इसको प्रोडक्ट को डैब डैब करके अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ एंड एज यू कैन सी ये इजीली आपके फेस पे पूरे प्रोडक्ट को अप्लाई कर देता है। और ये जो एंगुलर साइड है इसको मैं यूज़ करूँगी अपने अंडर आईज को कंसील करने के लिए, तो ये बहुत ही इजीली आपके अंडर आई को कवर कर देता है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट इस पर ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं हो रहा है। एज यू कैन सी बहुत ही थोड़ा प्रोडक्ट ऑब्जॉर्व किया इसने, बाकी सारा जो प्रोडक्ट है वो मेरे फेस पे लग चुका है। तो अब मैं इसको पाउंस करके अच्छी तरह से अपने फेस पे बाउंस करने वाली हूँ थोड़े टाइम के लिए ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। गाइज ऑलवेज रिमेंबर आप कोई सा भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें द टेक्निक हियर इज़ टू हैव अ लिटिल पेशेंस एंड कीप ऑन ब्लेंडिंग। सो ऑल आई एम डूइंग हियर इज पेशेंटली डैबिंग द स्पंज ऑन माई फेस एंड डैबिंग मोशन में पूरी तरह से मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी जब तक कि पूरी तरह से फाउंडेशन फेस पे ब्लेंड नहीं हो जाता। नाउ व्हेन आई एम ब्लेंडिंग द फाउंडेशन यूजिंग दिस स्पंज व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड वेट होने के बाद इसका जो टेक्सचर है ये बहुत ही स्मूथ हो गया है और ये फेस पे बिल्कुल भी हार्श फील नहीं हो रहा, किसी भी तरह का सिंथेटिकनेस नहीं लग रहा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। सो बहुत ही हद तक ये मुझे पैक के ब्यूटी ब्लेंडर का भी फील दे रहा है। सो गाइज आई एम रियली हैप्पी सो फार, लेट्स सी इसका फिनिश कैसा आता है। सो गाइज एज यू कैन सी माई बेस इज डन, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड ब्लेंडिंग। एज यू कैन सी आईज के नीचे अच्छी तरह से ये अप्लाई हो गया है एंगुलर साइड से और इसने बहुत ही ईजिली कंसील कर दिया है अंडर आई को और इसका जो बैक पोर्शन है ये बहुत ही सॉफ्ट है जिसकी वजह से ये आपकी स्किन पे अच्छी तरह से बाउंस करता है और ये बहुत ही स्मूथ और स्क्विशी टेक्स्चर है इसका जो कि बहुत ही अच्छा फील होता है। सो गाइज एज यू कैन सी माई रेस्ट ऑफ द मेकअप इज डन, आई हैव अप्लाइड अ लिटिल बिट ऑफ आई लाइनर एंड लिपस्टिक टू फिनिश द एवरीडे लुक एंड आई एम रियली हैप्पी विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस गाइज। सो गाइज आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद द वे दिस हैज अप्लाइड द फाउंडेशन ऑन माई फेस। किसी भी तरह की स्ट्रीकीनेस और पैचनेस नहीं लगती है फेस पे, बहुत ही थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया था अपने हैंड पे और मैंने उस यूज करके अपने फेस पे अप्लाई किया। आई थिंक इट हैज अप्लाइड इट इवनली ऑन माई फेस एंड आई एम रियली हैप्पी विद द वे इट हैज यू नो ब्लेंडेड द होल फाउंडेशन इन टू माई स्किन। आई रियली लाइक द वे इट फील्स एंड इट डज फील लाइक वेरी मच लाइक माई ओन स्किन। सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस ब्लेंडर, इट इज वेरी मच क्लोज टू द पैक ब्लेंडर, सेम काइंड ऑफ यू नो सॉफ्टनेस, सेम काइंड ऑफ टेक्स्चर। सो आई थिंक इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू लुकिंग फॉर समथिंग विच इज मोर अफोर्डेबल, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस ब्लेंडर गाइज। सो गाइज इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये आता है सिर्फ 199 रुपीज में। अगर आप इसको फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से परचेस करते हैं तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता रहता है। आई गॉट दिस फॉर ओनली 175, सो आई थिंक इट वॉज अ प्रीटी गुड डील। ऑल्सो फॉर दिस प्राइस एंड द क्वालिटी दैट द कलबा इज गिविंग यू, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर आप कोई मेकअप बिगिनर है या आप अगर कोई अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स में तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। इट इज वेरी मच सिमिलर टू द पैक वन एंड मुझे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आया, दो इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव ब्यूटी ब्लेंडर दैट द वन दैट यू गेट फ्रॉम पैक, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्वाइट गुड एंड इट अप्लाइज योर फाउंडेशन रियली वेल। बहुत ही इवन आपको यू नो जो एप्लीकेशन है बहुत ही इवन मिलती है और जो इसका जो एंगल है और जो इसकी क्वालिटी है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आप मेकअप बिगिनर है और अगर आपकी स्किन मेरी तरह बहुत ज्यादा सेंसिटिव, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सो गाइज अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं।
Thank you so much for watching the video, guys. I hope you like this review. And for more such product reviews, you can subscribe to my channel and do leave your nice little comments there. I really love reading your comments. So thank you so much for supporting my channel also. And I hope you like this video, guys. See you next time.